आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में पिछले दिनों नवनिर्मित गजरी बाई भावसार धर्मशाला का लोकार्पण संपन्न हुआ। लोकार्पण में खरगोन जिले के सर्वाधिक समाज जनों के साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से समाज बंधु पधारे थे और विधायक रवि जोशी के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए थे। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश भावसार ने हमारे संवाददाता से चर्चा में कहा कि समाज की आज कुलदेवी हिंगलाज देवी का प्रकट उत्सव है, समाज जन द्वारा ओंकारेश्वर में मनाया गया। इस अवसर पर ओंकारेश्वर समाज के साथ अन्य स्थान के जनप्रतिनिधि माँ की आराधना के साथ महाआरती का आनंद लिया। साथ ही इस अवसर पर सुनील भावसार जी भी आरती में उपस्थित रहे। ललित दुबे, ओंकारेश्वर की रिपोर्ट। पाँच दिन पूर्व ही 25 मार्च को ऑल इंडिया भावसार क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष राजू जी जावलकर के अध्यक्षता में और हमारे माननीय विधायक रवि जोशी की मुख्य अतिथि में लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के, गुजरात, महाराष्ट्र सभी जगह के काफ़ी लोग आए थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आज हिंगलाज जयंती का पावन पर्व है। आज हमारी कुलदेवी माँ हिंगलाज का प्रकट उत्सव है। हमारी माँ जो हिंगलाज माता है उसका मूल स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये सभी जो क्षत्रिय समाज है जिसमें माली समाज, सिरवी समाज, वो माँ हिंगलाज का हिंगलाज की जयंती आज 13 के दिन मनाते हैं और आज हम वही हिंगलाज जयंती मना रहे हैं। आपका परिचय? मैं सुरेश भावसार, मध्य प्रदेश महासभा का अध्यक्ष और खरगोन भावसार क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष।